रुकिए यहाँ पे, चुप हो जाओ, कृषि जग जाएगी। वही तो, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? आप जाओ अपने कमरे में, यहाँ क्यों आई हो आप? मुझे ना आज अपने रूम में नींद नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे भैया भी 2 दिन से आए नहीं हैं। बोल तो रहे थे आज आ जाऊँगा, आज भी नहीं आए। अब मैं कब तक अकेली रातें काटूँ? अरे तो भाभी, अब कोई 2 दिन की बच्ची थोड़ी हो, अब अपने रूम में इंतज़ार कर लो ना, आ जाएंगे भैया सुबह तक। इंतज़ार तो मैं कर लेती, पर जो मेरे अंदर की गर्मी है ना, उसको इंतज़ार नहीं हो रहा। वो चाहती है कि उसकी कोई प्यास बुझा दे। अब देखो तुम्हारे भैया तो है नहीं, तो क्यों ना तुम मेरी प्यास बुझा दो। भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? आप मेरी भाभी हो, और देखो मेरी बीवी परपर में लेटी है, और उसको पता चल गया तो मुझे मार ही डालेगी। अरे उसे बताएगा कौन, ना तुम ना मैं। और वैसे भी कशिश बहुत गहरी नींद में सोती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा मुझे देख के भी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भाभी एक बात बोलो, पसंद तो आप मुझे बहुत पहले से हो। अच्छा, मैं सोचता था कि कब आपके साथ सोने का मौका मिलेगा, लेकिन यार मैं ना डरता था कि अगर भैया को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सब बातें बताने की थोड़ी ना होती हैं, ना तुम कशिश को बताना और ना मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी। अरे भाभी किसका नाम ले दिया, आपको पता है मैं तो इसके साथ ऐसे ही रह रहा हूँ, इसमें कोई मज़ा ही नहीं है। इसकी गुफा ना बहुत बड़ी है, जिसमें मैं पूरा डूब जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, रहना पड़ता है, कुछ कह नहीं सकता। छोड़ो, आज मेरी गुफा ट्राई करके देख लो, क्या पता तुम्हें स्वाद आ जाए। हाँ भाभी, वैसे एक बात बताओ, आपके टाइट तो है ना? बहुत टाइट है, दबा के देख लो। पक्का? पक्का। तो फिर घूम जाओ, धीरे से घुसाना। चिंता मत करो, इतने प्यार से डालूंगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल। भाभी आपके रसगुल्ले ना बहुत बड़े हैं। अच्छा, हाँ तो खा लो। पक्का? डाल दूं भाभी? क्या हो रहा है ये सब? और भाभी जी आप कब आए यहाँ पे? अरे वो ना तुम दोनों सो रहे थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा। वो तुम्हारे भैया है नहीं ना, तुम्हें तो पता ही है 2 दिन से, और मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए मैं आके सो गई यहाँ पे बस। हाँ। और कोई बात नहीं है? हाँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पर आपको बताना चाहिए था ना मुझे। वो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शान मैं ये कह रही थी तुम उठकर मुझे पानी दे दो। हाँ, मैं दे दूंगा, तुम सो जाओ ना, मैं बाद में ला दूंगा। एक मिनट शान, हाथ हटाओ। क्या हो गया? हाथ हटाओ। कुछ भी शान। भाभी जी आप लोग ये सब कर रहे थे मेरे रूम में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कशिश। चुप करो तुम, मैं तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और भाभी जी आप तो मुझसे ये बोल रहे थे ना कि मैं यहाँ पर सोने आई थी, कमरे में डर लग रहा था, और आप ये सब करने आई थी यहाँ पे, आपको शर्म नहीं आई ये सब हरकत करते हुए? छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति बोलते हुए, तुम भाभी के साथ ये नीच हरकत करोगे? क्यों भैया खुश नहीं कर पा रहे थे क्या आपको अच्छे से, जो मेरा ही पति मिला आपको? देखो कशिश प्लीज गुस्सा मत करो, देखो हो गई गलती, मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुंह बंद रखो अपना, और पहली बात मैं तुम्हारे साथ अब रहना पसंद नहीं करूंगी कि इतनी गंदी सोच हो। और हाँ भाभी जी आपको तो मैं क्या ही बोलूं, जब खुद का ही पति इतना खराब हो। नहीं कशिश। अरे अरे कशिश, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में वो सब अभी हुआ नहीं, बस होने ही वाला था। अगर मैं उठती नहीं तो ये सब तो हो ही जाता ना, और अच्छे हो अच्छे टाइम पे उठी हूँ मैं, तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे, ये शोर कैसे हो रहा है? अच्छा वो जेठ जी आप यहाँ पर आ गई, आपको पता है भाभी जी यहाँ पर क्या कर रही थी?
मेरे पति के साथ मेरे ही बिस्तर पे वो सब गंदा काम कर रही थी। अरे नहीं भैया, कशीना बिल्कुल झूठ बोल रही है, इन्हें हम पे इल्जाम लगा रही है, ये हमें फंसाना चाहती है। मैं चुप कर दो। और तू, मैं दो दिन के लिए बाहर गया तो तूने ये गुल खिलाया, वो भी अपने छोटे देवर के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ। अरे थोड़ी सी शर्म ना आई तुझे? और तू तो मेरा छोटा भाई है ना, अपना बेटा समझकर तुझे पाला, और अपनी माँ समान भाभी के साथ उसे के दामन में तूने दाग लगा। मन तो कर रहा है कि मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन मैंने माँ को वचन दिया था, और तूने इस पति को धोखा दिया। देख, इससे पहले कि मेरे हाथों से तुम दोनों का खून हो जाए, मैं कहता हूं मेरे घर से निकल जाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे को भी यहाँ पर नहीं रहना है, मैं तो इसको डिवोर्स देकर आऊंगी। अरे नहीं कशी, रुक जाओ ना, प्लीज प्लीज कशी मत जाओ प्लीज। कशी सुनो तो, अपने कपड़े पहनो और ये अपनी गंदी शक्ल लेकर दोनों निकल जाओ यहां से।